उसी चीज़ में बिलीव करता हूँ अगर आदमी को कोई सक्सेस मिलती है तो मेरे ख्याल से उसके एटीट्यूड की वजह से मिलती है टैलेंट बहुत लोग पोजेस्ट करते हैं बेसिकली बहुत लोगों में टैलेंट होता है लेकिन एक पॉजिटिविटी नाम की चीज़ होती है तो इन द मंथ ऑफ जुलाई टू थाउजेंड टेन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम दिस प्रोडक्शन हाउस फेर ओ एंड आई वॉज टोल्ड कि आपके पास आपको एक लुक uh, टेस्ट देना है स्क्रीन टेस्ट देना है एंड आई वॉज लाइक किस चीज़ के लिए क्यों क्या आप दीजिए तो सही तो फिर मेरे सात से आठ लुक टेस्ट हुए और पाँच छः मेरे स्क्रीन टेस्ट हुए फॉलोड बाई सेवन टू एट ऑडिशन्स ऑल्सो एंड दैट टाइम आई रियलाइज्ड की समथिंग इज गोइंग टू हैपन वेरी बिग लेकिन मुझे कुछ प्रॉपर आंसर मिल नहीं रहा था दैन uh, एक दिन ऐसा आया कि जब मैंने पूछा कि आप प्लीज़ मुझे बताइए क्या है एंड दैट टाइम इन द मंथ ऑफ जून टू थाउजेंड टेन अट्ठारह जून के आसपास की बात है जब मुझे पता लगा कि फाइनली आई एम प्लेइंग द रोल ऑफ जगे एंड बालेगा वधू और, uh, और पिछले साढ़े चार साल से मैं एक ही शो में काम कर रहा हूँ और इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है एक्चुअली जो मेरी मॉम थी बड़ी प्रोटेक्टिव थी मुझे लेकर वो कह रही थी कि पहले अपना एम बी कर ले उसके बाद एक प्लान भी तैयार कर ले फिर उसके बाद तुझे जो करना है कर लेकिन माई फादर वॉज लाइक कि तुझे जो करना है तू कर तो ही वॉज़ वेरी सपोर्टिव और मॉम भी सपोर्टिव थी लेकिन एक जो बेटे को लेके एक डर होता है हर किसी के मन में हर किसी की माँ के मन में तो उनको भी था लेकिन फिर मैंने एमबी बी की तैयारी देना शुरू किया कैट मैट जैट स्नैप एवरी थिंग मतलब कोई भी बिजनेस स्कूल मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा था बिकॉज ऑफ माई मार्क्स क्योंकि मेरे मार्क्स उतने अच्छे नहीं थे कि मुझे कोई भी बिजनेस स्कूल मिल जाए मैं अपना एम बी ए कर लूँ लेकिन विद द ड्यू ट विद द ड्यू टाइम ऑफ कोर्स आई रियलाइज्ड कि मुझे कौन सी चीज़ अच्छी लगती है मुझे क्या चीज़ में मज़ा आता है तो मुझे समझ में आया कि नहीं मुझे एक्टिंग को एक चांस देना चाहिए एंड इन मंथ ऑफ जैन आई केम डाउन दिस प्लेस इन टू थाउजेंड नाइन एंड आई जॉइन अनपम खीर एक्टिंग इंस्टीट्यूट वो कैमरा ने एक्चुअली मुझे फेस किया था एक्चुअली मैंने जो पहला काम किया उसमें तो मैं दिखा भी नहीं हूँ कहीं मैं दूर कहीं भीड़ में कहीं खड़ा हुआ हूँ मुझे आप पहचान भी नहीं पाओगे कि मैं वहाँ खड़ा हूँ एक्चुअली नहीं फनी नहीं बेसिकली दोज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स जब तक सी एज फार एज स्ट्रगल पार्ट इज कंसर्न तो वो जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो आपको मोटिवेट करती हैं कि अगर आपको आज ये छोटा काम मिला है तो शायद इससे कोई बड़ा काम मिल सकता है या फिर उससे कोई बड़ा काम मिल सकता है या सबसे बड़ा काम मिल सकता है तो अगर वो ना हो बोलते ना वो आजकल ऐड भी आ रहा है स्मॉल को जोड़ते हो तो लार्ज बनता है <laughs> तो मेरे ख्याल से वो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में कुछ नहीं है यार में मेरा कोई ड्रीम रोल नहीं है मुझे लगता है कि जो मिल रहा है उसे ईमानदारी से निभाना चाहिए उस मैं आपको अपना हंड्रेड परसेंट देना चाहिए और जो चीज़ दिल से होती है वो दिल तक ज़रूर पहुँचती है टिप्स नहीं है इट्स जस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माइंड बेसिकली जब मैं बॉम्बे आया था तो मैं ये सोच के आया था मुझे क्या करना है बस जब तक आपके दिमाग में वो रहेगा आप उसी के लिए काम करेंगे और जो भी चीज़ सोचें बड़ी सोचें क्योंकि ऐसा भी कहा गया है कि अगर आपके सपने पर कोई हंसता नहीं है इसका मतलब ये कि आप सपना देख ही नहीं रहे तो सामने लगा आपके सपने पर हँसना बहुत ज़रूरी है और दूसरी बात ये कि बहुत ही बहुत ही क्लीचे स्टफ है लेकिन फिल्म में भी था थ्री इडियट्स में कि Uh, हर चीज ओवरनाइट पाने की आजकल बहुत अच्छा होती है यंगस्टर्स को कि फटाफट कुछ हो जाए और कुछ बन जाए और हर किसी का एक डेस्टिनी लग होती है किसी को एक दिन में कुछ मिल जाता है एक दिन एक किसी को बहुत टाइम लगता है मिलने में लेकिन मिलता उसी को है जो टिका रहता है तो मेरे ख्याल से बात टिकने की है और एक्सीलेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय सक्सेस के क्योंकि जो एक्सीलेंस का जो मजा है वो मेरे ख्याल से जर्नी को एंजॉय करना चाहिए डेस्टिनेशन तो ठीक है जवानी होगी तब आ जाएगी अपने हिसाब से शायद फैंस को पता भी नहीं है कि वो कितने मोटिवेशनल uh, है हम सब के लिए एज ए इंडिविजुअल आर्टिस्ट ये मेरा पीओ है कि अगर फैंस ना हो तो हमें तो पता ही नहीं लगे कि हम क्या काम कर रहे हैं कैसा काम कर रहे हैं कहाँ सुधार चाहिए कहाँ अच्छा चाहिए उनकी राय क्या, क्या है उनके सजेशन्स क्या हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक फीडबैक मिलता है प्रॉपर और uh, मेरे ख्याल से इंडिया फोरम्स के थ्रू ही मिल पाता है दैट्स द बेस्ट प्लेटफॉर्म वी हैव तो थैंक यू सो मच फॉर दिस और मैं थोड़ा तो लालची हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे और प्यार मिलना चाहिए और और और, और सजेशन चाहिए मुझे और एडवाइजेस चाहिए तो थैंक यू सो मच फॉर दिस We wish you all the luck and hope this journey continues like this forever. Ruchika Singh with cameraman Bhavaji, India Forums, Mumbai. Hi, this is Siddharth Shukla, and you're watching me on India Forums. Please subscribe to WhatsApp TV.